हेलो सर नमस्कार। आज मुझे क्या क्या हुआ यार, ये क्या छुपिया था यार इस गाड़ी का, मतलब क्या हुआ? देखो तुम देखो, खुद देखो एक बार, तुम्हें पता चल जाएगा क्या हुआ। पहले चीची से गाड़ी की मांगे नहीं हुई थी, ऊपर से एक और छुटिया था यार गाड़ी का शो बिगाड़ने के लिए। एसिड देखो ऊपर से सारा टपक के पूरा इंजन में आया हुआ है। आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यार मुनू, आई एम फेड अप सीरियसली। कभी कुछ यार देखो, तुम खुद देखो यार गाड़ी को चलाने का मन नहीं करता। चलिए गाड़ी के पास देखते हैं और मैं बता रहा हूँ आपको इसके पीछे रीजन क्या है कि जो इतना एसिड आ रहा है क्यों है। आप जो कह रहे हैं ये एसिड की प्रॉब्लम है और ये एसिड जो है बैटरी से आ रहा है डायरेक्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी से किस जगह से आता है और ये क्यों आता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एसिड आता क्यों है और इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मैं आपको बैटरी बॉक्स खोल के दिखाता हूँ कि आखिर इसका तो बैटरी बॉक्स ही नहीं है, लॉक ही टूट रखा है और ये पूरी कंडीशन गल रखी है बिल्कुल। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये आखिर इतना एसिड निकलता क्यों है, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइस सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो एसिड निकल रहा है और ये पूरा जो एसिड आ रहा है ऊपर तक का, ये कोई मैकेनिक की मिस्टेक नहीं है, ये बैटरी का फॉल्ट रहता है। और बैटरी का फॉल्ट क्यों रहता है, क्योंकि ये ब्लैक वाला हिस्सा और वाइट, ये दोनों अलग अलग बॉडी होती हैं और ये इसमें फिट किया जाता है और वो यहाँ पर एक जॉइंट रहता है, इस जगह पर एक जॉइंट रहता है जिसकी वजह से बैटरी की एक लिमिट होती है, हर एक चीज़ की एक लिमिट है। ये अपना 1.5 साल 2 साल के अंदर जो हमारी लिथियम आयरन है इसके अंदर पानी पड़ता है, डिस्टिल वाटर इसके अंदर उबलने लगता है, बॉयल होता है और वो यहाँ से लीक करने लगता है। पर यहाँ पर देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का एक लेवल बना रखा है, पर मैकेनिक क्या करते हैं, जहाँ पे हम एसिड डलाते हैं वो बिल्कुल फुल कर देते हैं, वो पूरा यहाँ तक फुल कर देंगे। वो पूरा फुल करने की वजह से वो इसके अंदर ढक्कन बंद कर देते हैं और यहाँ से निकल नहीं पाता है, और यहाँ से नहीं निकलता है तब वो यहाँ जॉइंट के पास से फूलने लगता है जब गाड़ी हमारी चलती है, बैटरी चार्ज होती है और वो एसिड सारा यहाँ से निकलने लगता है। वो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ निकलता है और यहाँ जाता है और इस तरीके से हमारे चेचिस के पास तक पहुँचेगा और हमारा चेचिस यहाँ से क्रैक कर देता है। तो ये बैटरी का इशू रहता है और हमें जब इसके अंदर बैटरी का, अगर आपके पास पानी वाली है या फिर ड्राई है तो आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पानी चेक कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पानी वाली बैटरी है तो उसके अंदर हमें मिनिमम में रखना है, ना कि मैक्सिमम में, मिनिमम में रखिए और उसको हर 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर, एवरेजन 1 महीने के अंदर आपको चेक कर रहे हैं कि मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नीचे जाएगा तो यहाँ से इसकी प्लेटें रहती हैं जब हमारी चार्ज करती है बैटरी को, वो यहाँ पर रहती हैं इतनी, तो हम कम से कम इतना मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रखें तो हमारी बैटरी का पानी बाहर नहीं आएगा और हमारे साथ ये दुर्घटना नहीं होगी जो आज हमें इस बैटरी में देखना पड़ रहा है, ये आपके साथ नहीं होगा। और ऐसा अगर पूरा मतलब ये गलता है, एसिड गलता है तो बहुत ही बुरा लगता है, इरिटेशन वाला सीन हो जाता है। तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि ऐसे इसका बचने का मेन तरीका क्या है। वैसे तो बैटरी ख़राब होती है तभी ये सब निकलने लगता है, फिर भी आप चेक करिए कि आपका जो यहाँ पर पानी रहता है ना वो मिनिमम में रहे, जिसे डिस्टिल वाटर बोलते हैं, और आप घर पे जो हमारी बोतल आती है डिस्टिल वाटर की उसको डाल के आप मिनिमम में रख सकते हैं। तो यही था वीडियो, अगर कैसी लगी, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।